नवी मुंबई में दल बदल रोकने बनाए जाएं कानून, बीजेपी और कांग्रेस की मांग, चुनाव से पहले दल बदल करने वालों को सबक सिखाना जरूरी। मला वाटतं राजकारणाचा हा पॅटर्न कुठेतरी बदलायला पाहिजे, लोकांनी त्यासाठी समोर यायला पाहिजे। हे जे असे चोराचोरी कर पळवापळवी करतात किंवा बेडोकोड्या मारतात, यांना या निवडणुकीत धडा पण शिकवायला पाहिजे। हे तेवढंच करेल, त्याशिवाय हे प्रकार सुधारणार नाही किंवा कमी होणार नाही। पक्षांतर किया मतलब दल बदलू उनको कहना मैं उचित नहीं समझता। जो कोई जाते सो समझ के जाते। मैं तो ये बोल रहा कि भगवान उनको वहां मन शांति दो, उनके पूरी इरादे, उनके जो कुछ भी उम्मीद है वो पूरी करो। किसको चुना के देने के बाद में हमारे काम हो जाएंगे, किसके नेतृत्व में ये शहर का विकास हो, ये जनता ने जाना हुआ। हर चुनाव से पहले दूसरे दलों को फोड़कर सत्तारूढ़ होने का राजनीतिक खेल कोई नया नहीं है। यह स्वस्थ राजनीति के लिए भी खतरा है। इसके बावजूद हर चुनाव से पहले ऐसा होता रहा है। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले भी अब ऐसा खेल तेज हो गया है। पूर्व मंत्री गणेश नाइक के समर्थक और बीजेपी के कई नगर सेवक पार्टी छोड़कर महाविकास आघाड़ी में जाने की होड़ में लगे हैं। हालांकि नवी मुंबई के महापौर जयवंत सुतार इसे सामान्य घटना मान रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता लोक नेता गणेश नाइक को मानती है और आज भी उनके साथ है, इसीलिए चंद नगर सेवकों और पार्टी पदाधिकारियों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने यह भी साफ कहा कि इससे सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हालांकि कांग्रेस और मनसे नेताओं का मानना है कि निजी स्वार्थों के लिए बार बार पार्टी बदलना गलत है और ऐसे दल बदलुओं को सबक सिखाना ही चाहिए। ये ऐसा 90% अब तक जो भी चुनाव आएगा तो कोई इधर कोई उधर जाते हैं, दल बदलू होता ही है। लेकिन उस नए मुंबई शहर के जनता ने गणेश नाइक के नेतृत्व को माना है कि नए मुंबई शहर ये गणेश नाइक के हाथों में देना मांगता है, तो कि शहर का अच्छा विकास और शहर का नाम रोशन हो जाएगा। कोई जाने से कुछ फर्क पड़ता नहीं, गया तो दूसरे सेकंड जो रेंज रहती है वो कार्यकर्ता को उधर चांस मिलेगा, वो कार्यकर्ता जो समाज सेवा किया है वो चुन के आएगा, ऐसा कुछ नहीं, उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो कोई भी पार्टी अभी समझा, आज बीजेपी का लोग देखो उधर तो नई मुंबई में बिजनेस ही है, कभी शिवसेना, कभी एनसीपी, कभी बीजेपी, ये तो धंधा है। ये लोग इसको सबक ए टाइम सिखाएगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन इसके लिए भी कायदा होना चाहिए। आपको पता है हम 40 साल हो गया कांग्रेस में, हम लोग कभी पक्ष बदले नहीं, आज भी हम लोग कांग्रेस के नाम पे लोग जानते हैं। बहुत सारा मौका था हम लोग पक्ष बदलने का, बहुत सारे लोग आए थे कि हमारा पार्टी में, हमारा पार्टी में नहीं। देखो प्रिंसिपल कभी आदमी बदलने चाहिए, हम जनता के पास जाते हैं, निशान लेके जाते हैं, वो हमारे भगवान समझ के जाता है उसको, उसको वो जो निशान है पंजा, जो भी पक्ष का निशान हो उसके लिए भगवान का रूप होता है, लेकिन उसको टुकरा के तुम दूसरा झंडा लेके जाते हैं लोगों के सामने, ये गलत है। ये किधर तो रुकना चाहिए, आया पार्टी वोट छोड़ दिया, आया पार्टी वोट छोड़, ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर संतोष शेट्टी मानते हैं कि चुनाव के समय इस तरह का दल बदल नई मुंबई में एक राजनीतिक धंधा बन गया है। निजी स्वार्थों के लिए बार बार पार्टी बदलना जनता के साथ बड़ा विश्वासघात है। संतोष शेट्टी ने कहा कि कुछ लोग अपनी पार्टी या नेता को कमजोर होता देखकर दूसरे दल में जाते हैं, वहीं दूसरे दल वाले समझते हैं कि मजबूत कार्यकर्ता आएगा तो फायदा होगा, लेकिन इससे जनता में गलत संदेश जाता है। जनता इसके लिए सबक जरूर सिखाती है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई ना कोई कानून जरूर बनना चाहिए। इलेक्शन टाइम में वो स्ट्रांग आदमी हमारे पास आता है, ऐसा लगता है कि हमारा पार्टी स्ट्रांग होगा, वो गलत है। उधर जो सालों से जो काम करते हैं कार्यकर्ते, 40 साल 20 साल 30, उसके का आशा होता है सर, आज कल हम अगर कांग्रेस छोड़ देता है फिर बाकी जो जुना कांग्रेस है उसको लगता है कि हाँ वो गया तो अभी हमारा नंबर लगेगा,
ऐसा नहीं, उसमें आप लोग दूसरे किसको हयात करेंगे, कोई भी पार्टी संतुष्ट रहे हो ना उसमें, वो लीडर जाता है, इसका मतलब तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं है, वो लीडर उधर गया तो उधर जाता है, वो लीडर कोई कमजोर दिखा फिर इधर आता है, तुम वो गलत है। फिलहाल नवी मुंबई में महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम नगर सेवक और बड़े पदाधिकारी अपने जीत हार का समीकरण बिठाते हुए दूसरे दलों में जाने की तैयारी में हैं। फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले यहाँ कोई दल बदल कानून लागू हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि निजी स्वार्थों के लिए बार बार पार्टी बदलने वाले नगर सेवकों और पदाधिकारियों को जनता सबक जरूर सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।